सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी का दसवां पाठ है। दसवां पाठ विषो बंधुत्वम, सारा विषय ही मित्र हो। इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं इस पाठ को। उत्सवे वैसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्लवे देन देने व्यवहारे चाहिए सहायता करोति स बंधु भवति। बंधु कौन होता है? मित्र। मित्र कौन होगा? जो उत्सव में, व्यक्तिगत आपदा में, अकाल में, राष्ट्रीय आपदा में और प्रत्येक दिन के व्यवहार में जो सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं? मित्र बोलते हैं। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशा भाव भवेत तथा विश्व बंधुत्व संभवति। यदि सारे विश्व में ऐसी भावनाएँ आ जाए कि हम सारे एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं? विश्व बंधुत्वम बोलते हैं इसी को। परंतु अधुना निखले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु आज निखले का अर्थ था सारे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। हर तरफ क्या फैला हुआ है? अशांति और लड़ाई झगड़ा फैला हुआ है। मानव परस्पर मन विश्व शांति, मनुष्य आपस में विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वीकम कष्टम न गणयन्ति। वे अपने कष्ट, दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपि च समर्था देशा है समर्थान देशान प्रति अपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और भी च माने और, अपि माने भी, और भी समर्थ जो देश हैं, संपन्न जो देश हैं, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं, अपेक्षा करते हैं उनकी। तेषाम उपरि स्वकीय प्रभुत्व स्थापयन्ति। उनके ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, अपनी उनको गुलाम बनाना चाहते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया से भावना दृश्यते। सारे संसार में विद्वेष की और शत्रुता की, दुश्मनी की भावना और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकास अपनी अवरुद्ध होती। देशों का विकास क्या हुआ है? रुक गया है। अवरुद्ध का अर्थ होता है रुकना। देशों का विकास क्या हुआ है? रुक गया है। इयम महती आवश्यकता वर्तते यत एक देश है अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयन मधुताया व्यवहारम कुर्यात। यह बहुत ही आवश्यकता है इस टाइम। अब हमारे को इस देश इसकी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ अच्छे मन से व्यवहार करें। निर्मलिन का अर्थ होता है निर्मल मन से, जिसके मन में कोई छल कपट ना हो, ऐसा वो एक देश दूसरे देश के साथ क्या करे? बहुत ही अच्छा व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु यम भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में भी यह भावना जरूरी है, आवश्यक माने जरूरी है। ततः विकसित अविकसित देशों मध्य स्वस्थ स्वपरता भविष्यति। इससे क्या होगा कि विकसित देश जैसे इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे देश, और अविकसित देश जैसे अफ्रीका के देश हो गए, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस देशों के साथ क्या होगा? अच्छे संबंध बनेंगे। विकसित और अविकसित देशों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञानी और क्षेत्र ही मैत्री भावना सहयोग नीचे समृद्धम प्राप्त समर्था भविष्यन्ति। सभी देशों के बीच ज्ञान विज्ञान को लेकर, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग से क्या होगा? समृद्धि प्राप्त होगी, अच्छा प्राप्त होगा। यदि सारे देश मिलके रहें तो कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान के सहयोग से क्या हो जाएगा? सभी देश अच्छा करेंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश है सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो समान रूप से हर जगह फैलता है, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो समान रूप से क्या करती है? हर जगह फैलती है। अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहृति। और प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहृति। प्रकृति भी सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती है। वो ये नहीं कहती कि ये गरीब है तो मैं इसको अपना फल नहीं दूंगी, या ये अमीर है तो मैं इसका फल दूंगी, या ये लड़का है या लड़की है, बूढ़ा है बच्चा है, वो सारे के साथ सभी के साथ क्या करती है? समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वम् स्थापनीयम्। इसी कारण से हम सबको मिलकर के वैर भावम का अर्थ होता है दुश्मनी, स्थूरता को छोड़ करके, अपहाय माने छोड़ करके विश्व बंधुत्वम को स्थापना करनी चाहिए, विश्व बंधुत्वम की स्थापना
करनी चाहिए, आपस में सभी को आपसी भाईचारे से रहना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणा एतादृशी भावना भवेत्, इसीलिए विश्व की कल्याण के लिए ये भावना होनी चाहिए कि विश्व का कल्याण किस प्रकार से हो, उसका इस प्रकार से भावना होनी चाहिए। एक श्लोक है, श्लोक को पढ़ लेते हैं। अयम निज प्रवेति गणना लघुचेतसा उदारचरिता नाम तो वसुधेव ही कुटुंबकम। अयम निज है, यह मेरा है, प्रवेति गणना और ये दूसरे का है, ऐसी जो गणना करता है, ऐसा जो सोचता है कि यह मेरा है या दूसरे का है, लघुचेतसा वह छोटे हृदय वालों की बात होती है। छोटे दिल के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यह मेरा है, ये अपना है। उदार चरिता नाम तू, बड़े दिल वालों के लिए तो वसुधा एव, सारी पृथ्वी ही क्या है, परिवार है, कुटुंब का अर्थ होता है परिवार है, या मेरा है या उसका है, ये जो सोचते हैं वो छोटे लोग होते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, उनके लिए तो सारी पृथ्वी ही संसार है। इस प्रकार से पाठ जो था 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम ये समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद।